के वृक्ष का पूजन इसलिए होता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर। कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए कन्हैया और कन्हैया ने सुंदर मनोहर बांसुरी बजाना प्रारंभ की तो ये जो गोपियां हैं महाराज, गोपियां दौड़ी दौड़ी कन्हैया के समीक्ष तक आई और गोपियां कन्हैया के साथ गलबैया कर रही हैं। जैसे कन्हैया के साथ गलबैया गोपियां कर रही थी तो इन गोपियों के लिए अभिमान हो गया कि त्रिभुवनपति जो है इनके साथ में हम गलबैया कर रहे हैं। कन्हैया के लिए पता चला कि इन गोपियों के लिए अभिमान हुआ है और राधा जी के लिए मान हुआ था तो कन्हैया ने सोचा इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। यदि इनका अभिमान हम दूर नहीं करेंगे इनका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए अभिमान हो जाता है उस व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है महाराज। तो कन्हैया उस रास से अदृश्य हो गए तो ये गोपियां वन वन में जाकर भटक रही थी और कन्हैया के लिए ढूंढ रही थी महाराज। कन्हैया जब नहीं आए तो ये गोपियां उसी कदम के वृक्ष के पास में आई और उस कदम के वृक्ष में ही कन्हैया के लिए देखने लगी महाराज, क्योंकि उसी कदम के वृक्ष से स्पर्श होकर कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। एक बात तो ये, इसलिए एक कदम के वृक्ष की मान्यता है। दूसरा, जब सरोवर में गोपियां स्नान कर रही थी तो कन्हैया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही गोपियों का चीरहरण किया था। कन्हैया ने गोपियों के लिए समझाया था कि निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान नहीं करते हैं, नहीं तो वरुण भगवान का अपमान होता है। तो ये जो महाराज जो गोपियां हैं, गोपियां कदम के वृक्ष के लिए साक्षात श्री कृष्ण का रूप मानती हैं और कदम का वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, क्योंकि कदम का वृक्ष देव वृक्ष है। कदम के वृक्ष में पूजन कैसे करें? कदम के वृक्ष में मन्नत मांगने के लिए हम धागा लपेटते हैं, मोली, रक्षा सूत्र या रेशम कुछ भी, और जब हमारी मन्नत पूर्ण हो जाती है तब जाकर वो धागा हम निकालते हैं और पुनः दूसरा धागा लपेटते हैं। उसमें कदम के वृक्ष का पूजन साक्षात श्री कृष्ण का रूप मानकर हमको करना चाहिए, क्योंकि कदम के वृक्ष में साक्षात श्री कृष्ण का निवास है। दूसरी बात, कुंदनपुर के राजा भीष्मक, आज से 5 वर्ष पहले की बात है कि भीष्मक नाम के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रुक्मणी। उनका रुक्मणी का एक भाई था रुक्मी, जिसने शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह तय कर दिया था, परंतु रुक्मणी जी ने तो भगवान श्री कृष्ण के लिए पति मान लिया था। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था द्वारकाधीश के लिए, बस श्री कृष्ण के जो कर्तव्य थे कर्तव्य श्रवण करके मात्र सुनने से श्री कृष्ण के लिए पति इन रुक्मणी जी ने मान लिया था। तब पता चला रुक्मणी के लिए कि हमारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ हमारा विवाह फिक्स कर दिया है। तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा श्री द्वारकाधीश के लिए कि मैंने पति आपके लिए ही माना है और यदि मैं वर चुनूंगी तो आपके लिए ही चुनूंगी, अन्यथा मैं वर किसी के लिए नहीं चुनूंगी। तो जब मैं कात्यायनी देवी का पूजन करने जाऊंगी तब आप मुझे लेने आ जाना। तो रुक्मणी जी कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए गई, वहां श्री कृष्ण रथ लेकर आए और रुक्मणी जी के लिए ले गए। रुक्मणी जी के लिए ले गए तो एक रास्ते में घनघोर जंगल पड़ता है जिसमें रुक्मणी और कृष्ण अर्धरात्रि की वेला में कदम के वृक्ष के ही नीचे रुके थे। एक बात इसलिए भी कदम के वृक्ष की मान्यता है और देव वृक्ष है। कदम के वृक्ष में हल्दी का लेपन करें, कदम के वृक्ष में सिंदूर का लेपन यदि महिलाएं करती हैं तो उनका सुहाग बरहमेश बना रहता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कदम के वृक्ष पर यदि हम इत्र का छिड़काव करते हैं तो हमारा जीवन एक सुगंधित पुष्प की भांति खिलता है। यदि कदम के वृक्ष में हम मोती चूर के लड्डू अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, इसलिए कदम के वृक्ष का पूजन किया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।